वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ट्रिक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी जब आप किसी एनिमी के साथ क्लोज बैटल में होंगे। इस ट्रिक के बाद आपकी गन इतनी जल्दी रिलोड होगी कि आपको उस पर यकीन ही नहीं होगा। पहले मैं यहाँ से एक गन उठा लेता हूँ, M4 मैं ले रहा हूँ। ये ट्रिक हर उस गन में काम करती है जिसमें क्विक ड्रॉ मैग और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगती है। पहले मैं यहाँ से थोड़ी एमो ले लेता हूँ अपने लिए, उसके बाद दिखाता हूँ आपको ये ट्रिक कैसे काम करती है। पहले मैं आपको दिखा दूं बिना किसी क्विक ड्रॉ मैग के ये रिलोडिंग में कितना टाइम लेती है। जब मैं शूट किया, आप रिलोड करते हैं, ऑलमोस्ट 1.8 सेकेंड लगता है इसे रिलोड होने में। और जब हम यूज़ करते हैं क्विक ड्रॉ मैग तो इसकी रिलोडिंग टाइम थोड़ी सी कम हो जाती है। ये वाली क्विक ड्रॉ मैग हम इसे यूज़ करते हैं, तो अब हम इसे शूट करके उसके बाद रिलोड करते हैं, देखते हैं कितना सेकेंड लगता है। तो ऑलमोस्ट 1.2 सेकेंड के आसपास वक्त है इसका क्विक ड्रॉ मैग के साथ में। अगर हम एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग के साथ में यूज़ करते हैं तो भी उतना ही टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 1.2 सेकेंड्स। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आज, उससे आपकी रिलोडिंग टाइम बिल्कुल ही कम हो जाएगी, लाइक एक सेकेंड भी नहीं, उससे भी कम ही होगी। तो सबसे पहले मैं अपनी ये दोनों एक्सटेंडेड मैग जो मैंने लगाई थी, इन दोनों को फेंक देता हूँ, मुझे इसका काम नहीं है। मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको दो क्विक ड्रॉ मैग और एक एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम उठाएंगे क्विक ड्रॉ मैग, फिर हम अपने गन को बैकपैक के पास रखेंगे पीछे, फिर हमें उठाना है एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग। ये उठाने के बाद हम थोड़ा सा लेफ्ट में इधर आ जाते हैं उससे दूर, और अपनी ये जो एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग है इसको यहाँ पर फेंक देंगे। वापस हम जाएंगे टेबल के पास और फिर से हम उठाएंगे क्विक ड्रॉ मैग को। कहाँ गई वो, ये रही, इसे हमें उठाना है वापस से और वापस उस जगह जाएंगे जहाँ पे हमने वो फेंकी थी। अब इसे एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग को उठा लेंगे, फिर हम अपनी गन निकालेंगे और शूट करना शुरू कर देंगे। और रिलोडिंग टाइम मैजिक, एक सेकेंड भी नहीं लगता इसे रिलोड होने में। देखिए आप कितनी जल्दी ये रिलोड हो रही है, ये अब तक की सबसे बेस्ट ग्लिच है। आप खाली रिलोडिंग टाइम देखिए कितनी जल्दी ये रिलोड होती है। ये ट्रिक हर उस गन में काम करती है जिसमें एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग और क्विक ड्रॉ मैग लगती है। इस ट्रिक के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। ट्रिक के एडवांटेज ये हैं कि काफ़ी जल्दी आपकी गन रिलोड होगी और आप उसे मार सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला बंदा भी यही ट्रिक यूज़ कर रहा है तो आपकी वाट लगने वाली है। इसलिए थोड़ी डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। इन माई ओपिनियन इस ग्लिच को पैच कर देना चाहिए आने वाली अपडेट में, जो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है 0.7.0 वाली, उसमें अगर इसे पैच कर दिया जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि यार अगर कोई इसे यूज़ करेगा तो फिर गेम का कोई मज़ा रह ही नहीं जाएगा। अब हर कोई अपना चीट यूज़ करेगा, तुरंत के तुरंत रिलोड करेगा और आपकी बैंड बचा देगा। ये ट्रिक स्नाइपर राइफल्स पे भी वर्क करती है जिनमें क्विक ड्रॉ मैग और एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगती है, जैसे हमारी M24 स्नाइपर राइफल। तो हम इसे उठाते हैं यहाँ से और वही ट्रिक यूज़ करेंगे, सेम जैसे हमने M4 के साथ किया था। यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले क्विक ड्रॉ मैग उठाएंगे, उसके बाद हम अपनी गन वापस रखेंगे पीछे, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग उठाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाके हम अपनी एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग निकाल देंगे। हम वहाँ पर भी निकाल सकते हैं लेकिन वहाँ पर और भी सारी मैगजीन होती हैं, इसलिए मिक्स ना हो, इसलिए थोड़ा आगे आके हमने निकाली इसे। और वापस जाएंगे, क्विक ड्रॉ मैग वापस से उठाएंगे ये वाली, उसके बाद वापस अपनी एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग को उठाएंगे। बस फिर हो गई ट्रिक, निकालो अपनी गन और गन को फटाफट रिलोड करो, इतनी स्पीड में होगी। देखो अभी एक शूट किया मैंने और रिलोड करता हूँ तो तुरंत के तुरंत रिलोड हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे सारी गोलियाँ शूट करता हूँ और पूरी की पूरी मैगजीन हम रिलोड करेंगे। मैगजीन रिलोडिंग का टाइम भी सेम होगा जितना एक गोली शूट करने के बाद हम रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे दो गोलियाँ और बची हैं, ये भी शूट कर दूँ मैं, लास्ट वन, इसे भी करते हैं। और उसके बाद रिलोडिंग टाइम देखिए तुरंत ही तुरंत रिलोड होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसे रिलोड होने में। ऐसे में आपको एडवांटेज तो है, अगर आप एनिमी के साथ क्लोज बैटल में हैं तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, रिलोडिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत के तुरंत रिलोड होगी और आप एनिमी को आसानी से शूट कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से इसे फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रिक जब तक रही तो गेम खेलने में मज़ा नहीं आएगा। हर कोई इस ट्रिक को यूज़ करेगा और तुरंत के तुरंत आपको भी शूट करेगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस ट्रिक से दूसरे एनिमी को आसानी से शूट कर पाऊंगा रिलोड करके, तो दूसरा बंदा भी जिस दिन जान गया उस दिन आपकी खैर नहीं है। तो ये थी कुछ सीक्रेट ट्रिक गन रिलोडिंग के टाइम को लेकर। आपको ये ट्रिक कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस ट्रिक को रहना चाहिए या फिक्स कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरह से चीटिंग होगी। अगर फिक्स कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में हमें क्या मिलता है, फिक्स होती है ये अपडेट या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कहीं से भी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और भी पबजी से रिलेटेड न्यूज़ और लीक्स के लिए। बाकी वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।